तक्के जाऊं इस खूबसूरती पे। कोई बेदिल ही होगा जो इन गहरी आंखों में डूब ना जाए, इन काली जुल्फों में खो ना जाए। रिदा आपा, आज तो लड़के वालों पर आपके हुस्न का जादू सर चढ़ के बोलेगा। अरे उनीजा, रिदा तैयार हुई कि नहीं? अरे जल्दी करो बेटे, लड़के वाले नीचे आ गए हैं, जल्दी करो। इस मुबारक रिश्ते की बुनियाद पड़ रही है। बस दुआ कीजिए खुदा से। बस रिदा भी आ रही है। लीजिए ना आप। जी हाँ, मैं तो ले रहा हूँ, आप लीजिए ना। भाईजान, ये अकेले क्यों खड़े हैं? चलिए वहां चलकर बैठते हैं ना, जहाँ सब है। भाभी को सबसे पहले देखने का शर्फ मैं हासिल करना चाहूंगा। आप लोग लीजिए ना। आप हरिश्रिया से छोटी हैं? जी मैं 3 साल छोटी है मंतशा, उससे छोटे हैं ताहा और सबसे छोटी है हमारी अनहा। बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं और बड़े साहबजादे तिजारत में बाप का हाथ बटा रहे हैं और बिजनेस के सिलसिले में आजकल पुणे में रहते हैं। बड़ी तारीफ सुनी थी हरिश्रिया की, इसलिए जी चाह रहा था एक नजर हम भी देख लेते। फिलहाल तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, जब हारिस मियां पूना से आ जाएंगे तब आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा और जी भर के देख लीजिएगा। लाखों में एक है हारिस। वैसे तारीफ तो हमने रिदा की भी बहुत सुनी है, कहाँ है वो? बस आती ही होगी। सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लगे। हारिस मियां की दुल्हन बनोगी? भाई आज से आपकी रिदा यावर साहब के फर्जन मियां हारिस की दुल्हन हुई। पूछो तो जाने किस लंगूर की तस्वीर है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दूल्हे भाई के लिए ऐसे कहती हो? अरे हाय, अभी से हाल है, अभी तो शुरुआत है, ना निकाह पड़ा गया ना डोली उठी, पर उनके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं। अरे हाय मेरी बन्नो, शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है। तुम अपनी बकबक बंद करो और तस्वीर हमें दो। ले सकती हो तो ले लो, लो 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 दो ना, लो ना। अच्छा लो ना। आए हाय मेरी बन्नो, एन वक्त पे संभाल लिया, वरना हमें तो तस्वीर की भी मरहम कुट्टी करवानी पड़ जाती। तुम बहुत बोलती हो, रुको। अप्पी 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 मार ना मेरी अप्पी। देख रहे हैं आपके लिए हमें क्या क्या सुनना पड़ता है, और एक आप है जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं, जाने कहाँ है। नमस्ते काका। और भाई हारिस साहब आ गए। अरे क्या हुआ हारिस बेटा, कोर्ट क्या फैसला किया? आपका दिल क्या कहता है शर्मा अंकल? दिल तो कहता है कि सच्चाई की जीत हुई है बेटा। डरता हूँ कि कहीं इस बार भी शर्मा अंकल, आज से अपने हर डर को दफन कर दीजिए। इंसाफ ने फैसला हमारे हक में किया है। अरे मतलब आप मुकदमा जीत गए? हाँ हम मुकदमा जीत गए हैं। अरे वाह, 25 सालों से इस फैक्ट्री की बंद पड़ी हुई मशीनें अब फिर से चलेंगी, हमारे मजदूर भाइयों के ठंडे पड़े चूल्हे अब फिर जलेंगे। अपने मरहूम दादा के अधूरे ख्वाब को तुमने पूरा किया है जो कोई आज तक पूरा ना कर सका, और जानते हो बेटा तुमने अपने दिमाग, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तुम्हारे मरहूम दादा की रूह को जरूर सुकून मिला होगा। और सच पूछो तो बेटा, आज का ये दिन देखने के लिए ये बुढ़ा अब तक जिंदा था। अंकल अंकल प्लीज आंखें बंद करने की बात ना करें अंकल। अरे अब तो खुशियां मनाने के दिन आए हैं,
आपकी इन्हीं आंखों से सुनहरे कल के ख्वाब देखेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। जीते रहो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हैदर अली साहब के पोते हो। अच्छा, अब्बू को फोन करके ये खुशखबरी सुनाते हैं। जरूर जरूर बेटा जरूर। अबू, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अबू मुबारक हो, कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दिया है। शुक्र है अल्लाह का। बेटे, इस जीत के असली हकदार आप हैं। बेटा, अब जब आपका काम खत्म हो गया है, हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्द घर आए। लेकिन अबू, काम अभी पूरा कहाँ हुआ है? ये तो आगाज है अबू। दादा जान ने जिस शान और शौकत से इस फैक्ट्री की शुरुआत की थी, मैं इस फैक्ट्री को वैसे ही खड़ा करना चाहता हूँ। बेटा, आप बिल्कुल हमारे अब्बू की तरह बात करते हैं। खुदा आपकी हर ख्वाहिश हर आरजू पूरी करे और आप जल्द से जल्द घर आए। अब्बू आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आऊँगा। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है आपको। जिंदगी है कुछ मसाइल, कुछ लम्हे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ अब्बू। जब मिलेंगे तब बताऊँगा। ओके अब्बू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए यावर मियां, मुबारक हो। आपको 25 लाख के नुकसान से बचा कर आ रहा हूं। तो गोया वो दागी हीरे आपने किसी को चिटका ही दिए। बड़े तेज दिमाग हैं आप, अल्लाह बचाए आपके शिकार से। भाई, इसमें शिकार विकार की कोई बात नहीं है। धंधे का उसूल है कि हमेशा आंखें खुली रखो और हिसाब किताब में दुरुस्त रहो। मेरा काम था हीरे बेचना और उनका काम था असली नकली की पहचान करके हीरे खरीदना। अब वही आंख के अंधे और गांठ के पूरे निकले तो इसमें खासा की क्या गलती है? है कोई गलती नहीं ना। एक बात की दाद देनी पड़ेगी जाफर भाई, आपका मुकाबला बड़े से बड़ा दामी नहीं कर सकता। भाई देखिए, ये सारी कमाई इस बालिश भर जबान की है। यावर मियां, हथियार का हमला एक बार सहा जा सकता है, लेकिन जबान का हमला कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर सेलिब्रेशन हो जाए। हो जाए। अरे भाई, क्या बात है, पूरा घर इकट्ठा है, सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अब्बू आपको एक खुशखबरी सुनानी है। हमने हारिस के लिए दुल्हन पसंद कर ली है, यही खुशखबरी तो हम सब देना चाहते थे आपको। ये खुशखबरी? अरे भाई, तुम भी कमाल करती हो। हारिस मियां यहां है नहीं, हमारी पसंद नापसंद किसी ने पूछी नहीं, बस चुपचाप बच्चों के साथ जाकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने। मना कर दीजिए उन्हें, हम ऐसे किसी रिश्ते के लिए रजामंद नहीं। बिल्कुल मना कर दीजिए। अब्बू, लेकिन लड़की लाखों में एक है। करोड़ों में भी हो तो भी हमें मंजूर नहीं। अब्बू एक बार आप उसे देख तो लीजिए। किस लिए? कोई फॉर्मेलिटी निभाने के लिए? जबकि आपकी अम्मी जान ने सबसे पहले यह बात हमें बताना गवारा ना समझा। बिल्कुल मना कर दीजिए। वो भाईजान ने अचानक कह दिया था, इसलिए बताने का मौका ही ना मिला। अब इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला बेगम। हर किसने चुपचाप जाकर रीदा को देखा है, पसंद कर लिया और अब आप हमारी रजामंदी चाहते हैं। हर किस नहीं मिलेगी, आप जाके उन्हें मना कर दीजिए। एक मिनट अब्बू, एक मिनट। एक बात बताइए, आपको कैसे मालूम हुआ कि हारिस भाईजान के लिए हम जिस लड़की को देखकर आए हैं उसका नाम रीदा है? अरे हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ? क्यों सरप्राइज? क्या सिर्फ आप लोग ही दे सकते हैं, हम नहीं? क्या? जी हाँ, आपको क्या लगा
हमें कुछ मालूम नहीं। गवर्नर साहब की पार्टी में मुस्तबा साहब की सबसे बड़ी साहबजादी रीदा को सबसे पहले हम ही ने देखा था। इनफैक्ट जाफर भाईजान से हम ही ने कहा, आप जाइए, जाके रिश्ते की बात पक्की कीजिए। बस अब तो हारिस भाईजान और चचा जान की रजामंदी बाकी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हारिस हमारा बेटा है, हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी पसंद को नापसंद नहीं कर सकता। रही बात तुम्हारे चचा जान की, तो उस नालायक से शादी ब्याह के मसले में क्या पूछना, जिस कमबख्त ने आज तक खुद शादी ना की हो। हमसे ना पूछा जिसने मिजाज समंदर का, कश्ती उसी की डूबी तूफान दरिया में। लीजिए आगे मिर्जा गालिब के शागिर्द। अच्छा अबू मैं चलता हूं। हम क्या हैं ये आज ना जान पाओगे, कूच के बाद ही चमकेगी खाकसार की गंध। लीजिए और कुछ पूछना बाकी हो तो पूरी नज्म पढ़वा दी जाए। शहरयार हमने हारिस के लिए लड़की पसंद कर ली है, तुम्हारा मशवरा भी मिल जाता तो शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती। हमारे चाहने से क्या है होने वाला, जोड़े तो बनते हैं आसमानों में। हमें मालूम था इनसे कुछ पूछना चट्टान से सर टकराना। आप बिना वजह अपनी बात क्यों खराब करती हैं? मीठी शक्कर से भली कड़वी नीम। भाईजान अर्ज किया है, मीठी शक्कर से भली कड़वी नीम, ये सेहत को खराब तो नहीं करती। चलता हूं, महफिल में कुछ मुरीद आए बैठे। भाभी जान जरा चाय भिजवा दीजिएगा। अभी भिजवाती हूँ। जावेद ऐसे क्या देख रहे हैं, हमें तो ये मालूम ही ना था कि जिस अजनबी से हमारी मुलाकात होगी वही हमारे हमसफर बनेंगे। हमें आज भी वो शाम याद है जब हमने आपको पहली बार देखा था। Excuse me. जी आपने मुझसे कुछ कहा? जी ये कार्ड हमने पसंद किया था। अच्छा आप ले लीजिए। थैंक यू। आप कोई दूसरा कार्ड क्यों नहीं ले लेते, यहाँ पे काफी अच्छे कार्ड्स हैं। जी नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ वही चीजें पसंद करता हूँ जो पहली ही नजर में दिल की गहराइयों को छू जाए। मैं और कोई कार्ड नहीं लूंगा, शुक्रिया। आप तो कहकर चले गए लेकिन आपकी बातों का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ। हमारा दिल कहता था कि आपसे मुलाकात दोबारा जरूर होगी लेकिन हमें यह मालूम ही ना था कि हमें तो आपकी दहलीज पे जाना है। सुनिए। कहिए। आपने हारिस मियां से कह दिया आने के लिए? जी कह दिया है। लेकिन हारिस मियां बड़ी जिद्दी है, जब तक उनका काम मुकम्मल नहीं हो जाता वो वहां से हिलने वाले नहीं। ये क्या बात हुई, पिछले 2 साल से पूना में जाकर बैठ गए हैं। पहले तो फिर भी 2-3 महीनों में आ जाया करते थे मगर अब तो पूरा साल भर हो गया। बच्चे की सूरत देखे, क्या उन्हें अपनी अम्मी की याद नहीं आती? बेगम साहिबा आप तो जानती हैं ना हारिस। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 22 रोजे हो चुके हैं, चंद रोज बाद ही ईद आने वाली है। बस आप हारिस मियां को ताकीद कर दें कि ईद यहीं आकर मनाएं, हम यहां पर जब वो आएंगे तो उनकी मंगनी कर देंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब सोए? आप सोइए वरना सुबह शहाबुद्दीन साहब आकर 4 बजे घंटी बजा देंगे। सोइए सोइए। अच्छा आप भी तो आइए। ये देखिए जरा, ये
अब दादू के कोटेशंस और ये कोटेशंस मैच नहीं कर रहे। अरे बेटा पहले तुम बैठो सही, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? जी आप बैठिए, मुझे बताइए कोटेशंस मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज चेक। हाँ मैं देख लेता हूँ। हेलो, क्यों मियाँ बहुत मसरूफ हैं? अबू अबू अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अबू? वालेकुम अस्सलाम, अपनी खैरियत बताइए जनाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबू, अल्लाह का करम है। हमने फोन इसलिए किया कि हम और आपकी अम्मी जान चाहते हैं कि इस बार आप ईद हमारे साथ मनाइए। इंशाल्लाह अबू इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आपसे कि ईद की सेवैयां हम साथ में खाएंगे। अबू अबू फैक्ट्री के मुताले कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिससे इस सारे मामले की एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। कैसी तस्वीर? अबू के भल्ला को सामने रखकर कोई और ही खेल खेल रहा है और वो शख्स मेरा और आपके बहुत ही करीबी है। कौन है वो? ओफो अबू, अब सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती है ना, ईद के रोज मिलके सारी बातें मैं खुद आपको बताऊंगा पर्सनली। ओके, खुदा हाफिज़ अबू, टेक केयर। खुदा हाफिज़।